वेलकम बैक गाइस। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे किस तरीके से आप एक एप्लीकेशन के थ्रू, आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू बेसिकली एक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं एंड उसमें आपका एक फेस कैम भी हो फॉर टीचिंग स्टूडेंट्स। जी हाँ, सो मुझे किसी ने रिक्वेस्ट किया था कल कि आप इस तरीके से वीडियो लेके आए, तो मैं आपके लिए दो एप्लीकेशन इस तरीके की लेके आई हूँ गाइज, जहाँ पे आप एंड्रॉइड एप्लीकेशन के थ्रू ये काम कर सकते हैं। सो बेसिकली ये दोनों ही एप्लीकेशन आपके फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। आप इजिली बहुत आप यहाँ पे आप वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। तो हम दोनों एप्लीकेशन के बारे में वन बाय वन बात करेंगे। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट। सो सबसे पहले गाइज, आप गूगल प्ले स्टोर से ये वाली एप्लीकेशन डाउनलोड कर देंगे, रिकॉर्ड योर स्क्रीन वाली ऐप, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। सो सबसे पहले आप लोगों को एप्लीकेशन ओपन कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो आप लोगों को कुछ एक सेटिंग करनी होगी एंड दैट सेटिंग है, आप यहाँ पे सेटिंग्स पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे सेटिंग्स पे जाकर सबसे नीचे आ जाइएगा। ये सारी कोई सेटिंग्स आपको चेंज की जरूरत नहीं है, यू नीड नॉट टू चेंज एनीथिंग। यहाँ पे फेस कैम का ऑप्शन आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ऑन कर देना है, ठीक है। जैसे आप ऑन करते हैं आपको साइज देख लेना है, मीडियम या स्मॉल, आई विल प्रेफर मीडियम वन, ठीक है। आप मीडियम वाला रखिए, ठीक है, एंड देन सेव कर देना, ठीक है। और कुछ चेंजेस नहीं करने हैं आपको, बस साउंड का यहाँ पे रिकॉर्डर साउंड आपको ऑन कर देना है, ये मैंने ऑलरेडी ऑन कर दिया था। इसके बाद जैसे ही आप ये ऊपर ये वाला रिकॉर्ड वाला बटन जो है ये आप वो प्रेस करते हैं, तो आपकी जो स्क्रीन है इंटायर रिकॉर्ड होती रहती है, जो भी आप जहाँ पे भी प्रेस कर रहे हैं, आप अपने फोन पे जहाँ पे भी जा रहे हैं, ठीक है, गूगल जा रहे हैं, जो भी है, आपकी स्क्रीन भी रिकॉर्ड हो रही है साथ के साथ आपका फेस कैम है, ठीक है। दिस इज आपने नॉर्मल मीडियम साइज लिया, अगर स्मॉल लेते तो वो और छोटी वीडियो आती है आपकी, ठीक है, फेस वाली। तो आई विल रिफर की बड़ी वाली, मतलब मीडियम साइज जाइए, ठीक है। दिस इज हाउ यू विल क्रिएट। इसके बाद आपको वापस से आप ओपन कर लेना है, ठीक है। यहाँ करने के बाद आपको वापस से यहाँ ये जहां से आपने स्टार्ट किया था वहीं से आप इसको प्रेस कर देना, तो वो वीडियो आपकी सेव हो जाएगी इसी वाली एप्लीकेशन। इसके बाद आपके ये जो वीडियोस है ये सेव हो गई हैं यहीं पे इस एप्लीकेशन में, तो आप इस पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देखिए प्ले हो रही है पूरी, जो भी मैंने रिकॉर्ड किया था वो सारा प्ले हो रहा है, ठीक है। तो ये आपकी सेव हो गई। इसके बाद जो सबसे बेस्ट मेरे को यहाँ पे एक ऑप्शन मिला, वो यहाँ पे थ्री मतलब लाइंस में आप जाएंगे वापस, यहाँ पे आपको वीडियो एडिटर का ऑप्शन मिल जाएगा। तो वीडियो एडिटर पे जाएंगे तो आपकी जो वीडियो सेव हुई है उसको आप एडिट भी कर सकते हैं। तो प्लस साइन पे जाएंगे, आप अपनी गैलरी से सर्च कर लीजिए, ठीक है। आप इनिशियल वाला जो पार्ट था वो अगर मुझे एडिट करना है तो आप ट्रिम करके उसको सीधा आप सेव कर लीजिए, ट्रिम वीडियो पे क्लिक कर देना। सो ये आपकी वीडियो यहाँ पे सेव भी हो जाएगी। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू यू नो क्रिएट अ वीडियो विद योर फेस कैम स्क्रीन रिकॉर्डिंग विद दिस एप्लीकेशन, ठीक है। नाउ वी विल मूव ऑन टू द सेकेंड एप्लीकेशन, सेम है बट स्टिल आई विल इंश्योर कि आपको समझ में आ जाए एंड कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। सो गाइस क्विकली मूव ऑन टू नेक्स्ट एप्लीकेशन जो जिसका नाम है एज एड रिकॉर्डर, ठीक है। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट एप्लीकेशन, बहुत ईजी टू यूज है, ठीक है। आप सिंपल इसको ओपन करके मतलब डाउनलोड करके ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको स्क्रीन जो है वो इस तरीके से दिखाई देगी, ठीक है। आपको सेटिंग्स चेंज करनी है, अगेन यहाँ पे सेटिंग्स पे जाएंगे आप, तो इस पे नीचे आप आएंगे, कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल इसमें भी एक बार साउंड वाला चेक कर लेना कि वो ऑन है रिकॉर्डिंग, जैसे ये ऑडियो है रिकॉर्ड ऑडियो, ये ऑन होना चाहिए। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आपका कैमरा है तो आपको कैमरा ओपन कर देना है। कैमरा ओपन करने के बाद आपका सिंपल फेस कैम आ गया, तो आपको उसको ड्रैग करके कहीं पे भी सेट कर सकते हैं। द बेस्ट पार्ट हियर इज कि आपको यहाँ पे आप अपने हिसाब से ये बड़ा छोटा कर सकते हैं। उस वाली एप्लीकेशन में पहले वाले में आपके पास तीन ही ऑप्शन है, स्मॉल मीडियम लार्ज, बट इसमें आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं बेसिकली। सो दिस इज वन ऑफ द मतलब गुड फीचर। इसके बाद जैसे ही आप को अगर आपका हो गया है डाउनलोड, तो आपको यहाँ साइड में आप देख रहे हैं ये छोटा सा ये वो आता है सर्कल आते हैं, टाइमर चल रहा है, आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपको सिंपल वो ये आ जाते हैं स्क्रीन, मतलब कि आप पॉज करना चाहते हैं या सेकेंड वाला ऑप्शन है बिल्कुल स्टॉप, एंड थर्ड में टूल वो आ जाते हैं सेटिंग्स। तो अब मुझे यहाँ पे क्लोज करना है, आप या तो यहाँ से कर सकते हैं या फिर आप ऊपर नोटिफिकेशंस है ना आपकी यहाँ पे भी जाके आपका यहाँ आ जाता है, तो आप यहाँ से भी जाके इसको स्टॉप कर सकते हैं। देखिए स्टॉप हो गया, अब ये रिकॉर्डिंग सेव हो गई है, ठीक है। आई होप गाइज इसमें भी समझ में आ गया है। रिकॉर्डिंग सेव होने के बाद यहाँ पे एडिट का ऐसा ऑप्शन नहीं है, बट यस आई होप कि मतलब आपको यहाँ पे समझ में आ गया। एडिटिंग आप काइंड मास्टर से भी कर सकते हैं, दिस इज दैट इज ऑल्सो फ्री एप्लीकेशन, काइंड मास्टर आपको ऑलरेडी पता होगा, वीडियोज क्रिएटेड है वहाँ पे, आप एक बार चेकआउट कर लीजिए, ठीक है। आई होप समझ में आ गया है, कोई डाउट होता है तो मुझे बताइए, क्योंकि बहुत ही ईजी है। आपने फेस कैम का वीडियो आपने स्टूडेंट्स के लिए बनाया एंड देन यू कैन अपलोड इट एंड शेयर इट विद योर स्टूडेंट्स,
में जैसे भी आप चाहते हैं, ठीक है। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, एंड अपने स्टूडेंट्स के लिए आप क्रिएट कर सकते हैं फेस कैम वाला स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियोज, एंड डू शेयर विद योर यू नो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। वीडियो जरूर बताना किस कैसी लगी, एंड आप मुझे बताइए कोई और टाइप के वीडियोज आप चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में मैंशन कर देना, कोई डाउट होता है तो भी बता देना, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। मैं आपको मिलती हूँ अगले वीडियो में, टिल देन गाइज बाय, हैव अ ग्रेट डे, बी सेफ, टेक केयर।